आनंदम बाल गोकुलम संस्कार केंद्र के द्वारा वार्षिकोत्सव गोकुलोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चों ने साल भर की गतिविधियों का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम अहिल्या पर्व पर आधारित रहा। देखिए खास रिपोर्ट। घर से दूर एक घर, जी हाँ, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार और सनातन संस्कृति के प्रति नन्हे नूने हालों में अनुशासन भरने के उद्देश्य से आनंदम बाल गोकुलम संस्थान के द्वारा गोकुलोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें साल भर की गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बच्चे आकर्षक वेशभूषा में नजर आए। दरअसल बदलते दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों को डे केयर, प्ले स्कूल जैसी जगहों पर भेजते हैं, लेकिन आनंदम बाल गोकुलम वो जगह है जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। अहिल्या पर्व पर आधारित इस आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर और उदय राजीव होलकर ने बच्चों को निर्भीक, निडर और अच्छा इंसान बनने का पाठ पढ़ाया। बच्चे को एक 5 इंच का खिलौना पकड़ा करके इधर उधर की टीम में और बीसी में व्यस्त है, ऐसे समय में अपने आस पड़ोस के बच्चों के लिए चिंता करने वाली पूरी टीम है, तो हम सब आपके कर्तव्य हैं। अब पहले आपसे बात करेंगे, आप लोगों को बात करना अच्छा लगता है? अच्छा, आप लोग सब यहाँ पर शिवलिंग बना के लाए है ना? हाँ, और शिवलिंग का चित्र भी बना के लाए, ठीक। और आपको बताया भी होगा कि ये क्या है, अहिल्या पर्व बताया था है ना? अभी आपने अहिल्या माता का जयकारा भी लगाया, सबने लगाया ना? तो बेटा जितने छोटे छोटे आप हो ना, जब अहिल्या माता आपके जैसे इतनी छोटी थी, तो जो शिवलिंग आप बना करके लाए वो भी मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, रेत का शिवलिंग बनाती थी और उसकी पूजा करती थी। आप सब भी धीरे धीरे भक्तिभाव सीख ही रहे हैं। आप सबको पता है, आप में से कोई डरता है? डरता है नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। तो अहिल्या माता भी कभी किसी से डरती नहीं थी, तो जीवन में कभी डरना नहीं है। कब नहीं डरना है? जब हम सही हैं तब नहीं डरना है। और आप लोग जहाँ संस्कार पा रहे हो, तो आप गलत काम तो कभी करोगे है ना? तो क्या होना है, अहिल्या माता की जैसा हमको क्या होना है, निर्भीक होना है। क्या होना है? निर्भीक होना है, मतलब डरना नहीं है। और आप जितने भी बच्चे हो, अहिल्या माता क्या करती थी, अहिल्या माता अपने पूरे जीवन में जब हम अहिल्या माता को देखते हैं, तो आपको आपकी जो है गोकुलम में बताया ही होगा कि कैसे कैसे अहिल्या माता के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कभी भी पैर पीछे नहीं किया। आप लोग भी नहीं करते ना, घबराते नहीं हो ना? घबराते हो क्या? नहीं। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को बताए, बहुत छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कहानी सुनना अच्छा लगता है? बहुत गर्मी के दिनों में एक लगड़हारा एक सेठ जी क्या लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था। उसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत प्यास लगी, तो उसने सोचा प्यास लगी तो सेठ जी का दरवाजा खटखटाया जाए। जाता है सेठ जी का दरवाजा खटखटाता है, तो सेठ जी बहुत प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी कहते हैं रुको, किसी आदमी को आने दो। दो दिन बाद होते हैं, हमको प्यास लगती तो क्या होता है, तुरंत पानी चाहिए। उसको भी बहुत प्यास लगती, उसको लगता तुरंत पानी मिलना चाहिए। दो दिन बाद होता है, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, लकड़हारे के सब्र का बांध टूट जाता है। उसको लगता है कि अब अगर पानी नहीं मिला तो फिर बचूंगा ही नहीं। तो क्या करता है, फिर से सेठ जी का दरवाजा खटखटाता है और दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, सेठ जी बहुत प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी मुझसे मैं आके कहते हैं, मैंने तुमको कहा ना किसी आदमी को आने दो। दोनों हाथ से भी निमंत्रण पूर्वक कहते हैं, सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बेटा आप में से कितने बच्चे हैं जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, या जो गणवेश आज आप लोगों ने पहना है ऐसा कुछ बनना है, ऐसे कुछ कुछ बनना है? हाँ, पुलिस में जाना होगा, किसी को सेना में जाना होगा, सोचते हैं सब है ना? पर सबसे पहले क्या करना है, अच्छा इंसान बनना है ना? हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी उम्र से हम उस काम को करने लगेंगे। अब केवल 2 दिन में जितनी भी माताएं यहाँ बैठी, जिसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जैसा अभी भाभी साहब बता रहे थे कि पिछली बार शिव राज्याभिषेक का 350वां वर्ष था, उसको यहाँ बच्चों के समक्ष मनाया गया। ये अहिल्या माता का 3 शताब्दी वर्ष है। स्वाभाविक है कि हम 2047 में अखंड भारत की कल्पना करते हैं और माँ भारती को परम वैभव पर देखते हैं। हमारी क्या भूमिका उसमें हो सकती, तो आप जितने भी बड़े लोग बैठे हैं, ये भूमिका हम सबकी है, हम करेंगे, बच्चे स्वतः करेंगे। उसमें से कुछ विषय आदरणीय भाई साहब ने रखा है,
तो आवश्यकता है कि जिस स्वाभिमान को हम भूल गए थे, स्वाभिमान के पुनर्जागरण का समय है। एवं समस्त बहने, आज हम यहाँ आनंदम बाल गोकुलम इस संस्था के कार्यक्रम में, गोकुलोत्सव इस कार्यक्रम में हमें मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से माला जी का साथ होकर यह और भी गौरव का विषय बन गया है। यह वर्ष सभी के जानकारी में तो होगा ही, 300वां देवी अहिल्या का जन्म जयंती वर्ष है। हम सभी इस जयंती वर्ष को देवी अहिल्या त्रिशताब्दी समारोह समिति के अंतर्गत मना रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर गोकुलोत्सव और आनंदम बाल गोकुलम के कार्यक्रम में आकर हर्षान्वित तो है ही है, एवं इतने सारे गोकुलवासी बाल गोपालों को देखकर और भी हम उत्सुक हैं। आज इन सभी बच्चों के साथ एक हल्का सा संवाद होगा। आप सभी को माँ अहिल्या का नाम परिचय में है, सब लोग हाथ उठाएंगे, बच्चे लोग सब लोग जानते हैं माँ अहिल्या के। संस्था की सदस्य मीनाक्षी नवाथे ने कहा कि आज के दौर में बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी है। यहाँ अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ मानसिक और शारीरिक विकास होता है। शहर में अलग अलग जगहों पर आनंदम गोकुलम की शाखा खुलना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि परिवार आजकल क्या हो गया है, सिंगल मतलब एकल परिवार हो गए हैं, घर में बच्चे भी कम हैं। पहले का जो था वो संयुक्त परिवार था, इसलिए बच्चों को ऐसे संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता हो गई और बच्चों के साथ में ही बच्चे सीखते हैं। छोटा बच्चा भी देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ही कि छोटा बच्चा जो 2.5 वर्ष के बच्चे बोलते नहीं थे वो व्यवस्थित बोलने लगे हैं, उनके मोबाइल छूटने लगे हैं, वो बराबर नित्य केंद्र आने के लिए तैयार रहते हैं। स्कूल जाने के लिए एक बार बच्चा रोएगा, लेकिन केंद्र आने के लिए कोई भी बच्चे नहीं रोते हैं। सहर्ष तैयार होते हैं, सहर्ष तैयार होके आए हैं और भारतीय बिल्कुल संस्कृति के से परिचित वो प्रस्तुति देने वाले हैं, उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। इसलिए तो सबसे पहले लोगों की मानसिक तैयारी होना आवश्यक है और हम लोग चाहते हैं कि जो स्वयं ही यहाँ काम करने के इच्छुक हैं वो स्वयं जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे कार्य देखते हैं, अब जैसे ये कार्य देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, उनमें भी संस्कार ये बढ़ते रहे, फले फूले। और आज की स्थिति को देखते हुए तो ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। और मेरे प्रयास यही है कि इंदौर भर में कम से कम 15 से 20 शाखाएँ अलग अलग क्षेत्रों में खुले और इसके अलावा भी बाहर शहरों में भी खुले, और यही हमारे प्रयास है। यहाँ मेरा नाम दिव्या गुजराती है और मैं अभी विगत 4-5 महीने से यहाँ पे मेरे बच्चे को भेज रही हूँ, और उसकी वजह से इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं कि ये मेरी सारी बातें सुनने लग गया है, नहीं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। मतलब अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो वो आके बोलता है मम्मा मैं भी वॉश कर दूँ, हेल्प कर दूँ, मतलब और फिर मैं झाड़ू लगा दूँ, मतलब इतने अच्छे अच्छे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जो पहले वो कार्य नहीं करता था अब वो भी करने लगा है, खुद से उसका होमवर्क करने लगा है, नहीं तो मुझे उसके पास में बैठे रहना पड़ता था। अब सारी मतलब उसमें बहुत ही एक्टिविटी में, हाँ वो जो होना चाहिए वो आ चुका है उसमें। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि आज के समय में आनंदम बाल गोकुलम में बच्चे धर्म संस्कृति संस्कार और परंपरा के बारे में सीख रहे हैं। उदयराज होलकर ने कहा कि आने वाले समय में संस्कारित बच्चे और संस्कारित पीढ़ी चाहिए। आनंदम बाल गोकुलम में आकर अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, एवं साथ ही जो परिवार अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं वो भी अपने इस बाल गोकुलम के दिए हुए संस्कारों से अवश्य ही अभिभूत होंगे। आगे आने वाले समय में हमें संस्कारित बच्चे, संस्कारित पीढ़ी, संस्कारित युवा चाहिए।
आज अनेकों अनेक बुराइयों से मेरा मानना है कि बचपन के दिए हुए संस्कार आगे चल के अवश्य ही बचाते हैं। आज थोड़ा समय देकर यदि बच्चे इस प्रकार की और हमारी बाल गोकुलम जैसी संस्था में आते हैं और उसके लिए यदि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय होगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ आदरणीय मीनाक्षी नवाते जी और उनकी पूरी टीम का आभार करती हूँ कि वो बहुत बेहतर ढंग से आज जिस समय में माँ अपने बच्चों को समय नहीं देती ऐसे समय में आनंदल बाल गोकुलम इस नाम से संस्कार केंद्र का संचालन कर रहे हैं और यहाँ हम जिस प्रकार से बच्चों को देख रहे हैं कि धर्म संस्कृति संस्कार और परंपरा सभी के विषय में बच्चे जानते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को भी बच्चे जान रहे हैं। स्वाभाविक है कि जिन वेश में भी बच्चे यहाँ आए हैं उनका व्यक्तित्व जो है उन्हें अवश्य प्रभावित करेगा। ये कुल मिलाकर बदलते दौर में आज के बच्चों में संस्कारों की कमी के बीच आनंदम बाल गोकुलम उम्मीद की एक किरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।